आपका योग मित्र योग गुरु अरुण यादव। तो आज के इस योगा सत्र में आज सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज के इस योगा सत्र में हम लोग शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि योगा क्यों करना है। योगा करने से हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ जाती है, दूसरा हमारे शरीर में जो रक्त संचार होता है बहुत ही अच्छे होना शुरू हो जाता है। अगर मेरा रक्त संचार अच्छा होता है तो रक्त होने की वजह से हमारे हार्ट के ऊपर लोड कम आता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। और अब जब आप सवेरे का वर्कआउट करते हो, जो भी आपका चलना है या फिर आप जो अभी एक्सरसाइज या योगा प्राणायाम करने वाले हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर में जो आप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हो तो ब्लड क्लॉट होने की जो क्रिया होती है ये कम हो जाती है। चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब क्लॉट कब होगा? जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। तो एलडीएल का जो काम होता है वो मैं आपको थोड़ा डिक्टेट कर देता हूँ। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में चिपक के बैठने का काम करता है, और इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज का सहारा लेना है, जो कि हम लोग आपको रोज बता रहे हैं। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो हमारे शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्टिवेट होता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्टिवेट होने के बाद ये जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के अंदर है उसको खींच के हार्ट तक लाने का उसका मैकेनिज्म। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेडी करने के लिए हमें योगा प्राणायाम और हमारा जो डॉक्टरों द्वारा रिकमेंडेड एक्सरसाइज है उसे करना है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम अपने ईश्वर को याद करेंगे। तो दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर ऐसे रख लीजिए, आंखें बंद। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरे जो एयर वेज होते हैं हमारे छाती ओपन हो जाती है। आंखें बंद, एक मिनट के लिए हम अपने ईश्वर का ध्यान करेंगे। चलिए हमारा एक मिनट का ये समय पूरा होता है, अब हम शुरू करेंगे। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ईश्वर को अपने सामने ध्यान करके नतमस्तक होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से एक स्पिरिचुअल पावर भी मिलती है उसे करने की। तो चलिए आज हम जो आसन करने वाले हैं, पहला आसन खड़े होके, उसका नाम है गरुड़ासन का वेरिएशन। तो गरुड़ जिसके वाहन हैं आपको मालूम ही होगा, तो गरुड़ जो वाहन है वो हमारे भगवान के हैं या हमारे ईश्वर के हैं, तो हम उनको थोड़ा सा समर्पित एक आसन करेंगे जिसकी वजह से हमारे शरीर की ताकत बढ़ेगी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, सबसे बड़ी एकदम सिंपल फॉर्म में करेंगे इसे। तो सबसे पहले अपने पैर को नज़दीक लाएंगे, दोनों हाथों को आराम से ऐसे ला के पूरी पैक कर लेंगे इस हिसाब से। देखिए ऐसे भी कर सकते हो आप ये पोजीशन, ठीक है। ये होने के बाद आपको स्ट्रेट लंबी सांस लेनी है और जो दाहिना पैर है उसे क्रॉस में लेते नीचे की तरफ बैठेंगे, और इसमें आपको बैलेंस बनाना है। बहुत अच्छा, यहीं रुकेंगे। नॉर्मल सांस की क्रिया, सामान्य श्वास 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए सांस लेते हुए ऊपर उठिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अब इसी को हम लोग पैर को चेंज करेंगे। पैर को चेंज करके अब हमारा लेफ्ट लेग दूसरे पैर के दूसरे साइड में चला जाएगा,
लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए बैलेंस बनाते हुए नीचे आएंगे। बहुत अच्छे, बैलेंस जितना नीचे आ सकते हो उतना नीचे बैलेंस बनाना है। नॉर्मल ब्रीद, 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए सांस को लेते हुए ऊपर उड़ जाएंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे। पैर चेंज, पैर को चेंज कर लेंगे। चलिए राइट लेग दूसरे साइड में रख लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस लेते हुए जितना नीचे आ सकते बैलेंस बनाते हुए नीचे आ जाएंगे। नॉर्मल सांस, काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए एक कप लंबी गहरी सांस लेते ऊपर उड़ जाइए और सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। पैर को चेंज, लेफ्ट लेग दूसरे, राइट लेग के दूसरे साइड में। चलिए लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। रिलैक्स, बैलेंस बनाएंगे। नॉर्मल ब्रीथ 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। सांस ऊपर आ जाइए, सांस छोड़े रिलैक्स। चलिए एक एक बार और करेंगे, फिर इस आसन को हम आज के लिए समाप्त करेंगे। चलिए फिर से राइट लेग साइड में, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। परफेक्ट बैलेंस, 10 काउंट, सामान्य श्वास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सांस लेते ऊपर उठ जाइए, सांस छोड़ दीजिए, पैर को चेंज करेंगे। चलिए लास्ट लेफ्ट लेग साइड में, लंबी सांस, सांस को छोड़ते हुए नीचे, बैलेंस बनाइए। बहुत अच्छे, नॉर्मल श्वास 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 and 10। धीरे धीरे भी सांस लेते ऊपर आ जाइए, सांस छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स कीजिए। पैर एकदम पूर्व स्थिति, दोनों हाथ को छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, सब लोग एकदम शांत और शिथिल हो जाएंगे। फिर मैं इसके फायदे बताता हूँ। नॉर्मल ब्रीथ, दोनों हाथ अपने पेट के एकदम नीचे के भाग में पकड़ के रखेंगे। नॉर्मल श्वास, 20 से 25 सेकंड का रेस्ट, आंखें बंद, बहुत अच्छे, आंखें खोल देंगे। अब इसके फायदे समझ लेते हैं कि जो हमने अभी गरुड़ासन किया है जिसका वेरिएशन, इसमें हम अपने आप को बैलेंस करना सीखते हैं। जितना आप बैलेंसिंग के नए नए आसन को आप सीखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके शरीर में सेल्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपके शरीर में रोज के रोज सेल्स मरते हैं। मीन सेल्स जो डेड होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स भी डेड होते हैं। तो इससे हमें रोज़ रोज़ जब करोगे तो आपके शरीर में आपकी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हार्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हार्ट ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और वो किसके थ्रू, तो हमारे नर्व सिस्टम के थ्रू। इसमें नर्व सिस्टम और हमारा हार्ट मिलके काम करेंगे तो शरीर में सभी व्याधियाँ कम होना शुरू हो जाती है। तो चलिए दूसरा आसन है हमारा अब मयूर पंखासन। आपने मयूर मीन्स मोर, मोर को आपने नाचते हुए देखा हुआ होगा। मोर जब नाचता है तो अपने पंख को कैसे हिलाता है, हम उस आसन को करेंगे जिसकी वजह से शरीर में वाइब्रेशन क्रिया होगी और हमारा जो हमारे रक्तवाहिनियों के अंदर या रक्तवाहिनियों को ऊपर जो चिटका हुआ LDL कोलेस्ट्रॉल है या फिर फैट है, ये निकलने में
मदद होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आगे का आसन मयूर पंखासन। तो स्टार्ट करेंगे, चलिए तो उसके लिए अपने हाथ पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं। एक बार मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ, अगर कुछ डिफिकल्टी होगी तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सांस लेंगे एक लंबी, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लोग थोड़ा हाफ बेंडिंग आएंगे। बहुत बढ़िया, एक बार देख लेंगे, और फिर सांस को हम लोग एक लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को पीछे लेके जाएंगे, गर्दन थोड़ी सी नीचे की तरफ, और फिर गर्दन को थोड़ा उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही वो मोर अपने पंख को हिलाता है वैसे हम अपने हाथों को हिलाएंगे 10 बार। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ गए? तो इस आसन को करने से हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं या फिर हमारा जो सर्वाइकल रीजन की जो सब हड्डियाँ हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। आपने देखा होगा मोर का जो गर्दन होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, 360 डिग्री में वो कहीं भी देख सकता है। ठीक है, तो सिंपल आसन है ये आपके लिए, करेंगे सब लोग मिलके इसे। चलिए स्टार्ट करेंगे, तो 3 बार करेंगे इसे स्टार्ट। चलिए सबसे पहले सब लोग एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए, बैलेंस बनाइए, बहुत अच्छा। चलिए एक लंबी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए हाथ को थोड़ा ऊपर लेते हुए गर्दन को थोड़ा नीचे की तरफ झुकाते हुए रुक जाए, फिर गर्दन को सामने उठाएंगे। अब यहाँ पे हमें आराम से हाथों को 10 बार हिलाना है जैसे मोर पंख हिलाता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से सांस को लेते हुए हाथ अपना आ जाएगा घुटनों पे, सांस बाहर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ दीजिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि नए वेरिएशन का आसन है और आप इसे करेंगे तो इसमें बहुत ही मज़ा भी आता है, क्योंकि हमारा जो सर्वाइकल रीजन की जो हड्डियां होती हैं, हमारे जॉइंट्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होंगे, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। इसमें घुटनों का भी उपयोग हो रहा है, तो हमारे घुटने की जो हमारे नी ज्वाइंट पेन की जो तकलीफें हैं, वहाँ की जो हमारी हड्डियों की मोबिलिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम हाथों को जो पीछे की तरफ पुश करते हैं तो हमारे जो शोल्डर रीजन का जो भी हमारा पूरा जॉइंट है ये भी फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे फिर से, एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, बहुत अच्छे। लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए हाथ को थोड़ा पीछे लेके जाते हुए सामने की तरफ थोड़ा झुक जाएंगे और यहाँ पे बैलेंस बनाएंगे, और फिर गर्दन उठा के सामने देखेंगे और हाथों को 10 बार हिलाना है। चलिए स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए सांस लेते हुए हाथ को घुटने पर रख देंगे, सांस बाहर, लंबी सांस लीजिए एक, बाहर छोड़िए, रिलैक्स कर लिया, सांस लेते ऊपर उठिए और सांस छोड़ दीजिए। इसी को एक बार और हम रिपीट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको 3 बार बोला, अभी 2 बार किया हम लोगों ने। स्टार्ट करेंगे, चलिए स्टार्ट, लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, थोड़ा सा झुकना है, बहुत अच्छे बैलेंस। अब एक लंबी सांस लीजिए, बैलेंस बनाते हुए हाथ को पीछे की तरफ और सर को थोड़ा नीचे की तरफ, यस, गर्दन थोड़ा उठाइए, बढ़िया। 10 बार हम हाथों को हिलाएंगे, चलिए नॉर्मल ब्रीद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए सांस लेते हुए हाथों को घुटने पे लाइए, सांस बाहर,
फिर से एक लंबी सांस लीजिए, सांस बाहर रिलैक्स, सांस लेते हुए ऊपर उठिए और सांस बाहर छोड़ दीजिए। तो ये था मयूर पंख आसन। अब इस आसन के जो फायदे थे मैंने आपको डिक्टेट कर दिए हैं। तो अगर आपको आसन ये दोनों अच्छे लगे होंगे, गरुड़ासन वेरिएशन, मयूर पंखासन वेरिएशन, तो आप सेशन ख़त्म होने के बाद भी इसे देखिए और करिए, या फिर कल भी देख सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है, आप कभी भी देख के इसे कर सकते हो। लेकिन अगर करना है तो आपको इसे खाली पेट ही करना है, ठीक है, एम्प्टी स्टमक जो एक्सरसाइज होती है, इसके फायदे बहुत होते हैं। चलिए अब हम फिर से पैरों में गैप रखेंगे, दोनों हाथ को अपने पेट के एकदम निचले भाग पर रख लेंगे, आंखें बंद, 20 से 25 सेकंड का हम रेस्ट करेंगे, आंखें बंद, शरीर को प्रिपेयर होने दीजिए, शरीर प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि जब आप आंखें बंद करेंगे शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीथ, चलिए। तो 20 से 25 सेकंड हो चुका है, आंखें खोल देंगे सब लोग, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब ये खड़े होकर आसन का, हमारी जो अभी तक के आसन थे यहाँ पे ही समाप्त होते हैं। अब हम लोग लाइंग डाउन मतलब नीचे बैठ के और थोड़े लेट के आसन को शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने मैट के ऊपर आराम से नीचे बैठ जाते हैं। तो चलिए हम लोग बैठ जाते हैं, आराम से बैठना है, कोई घाई गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत अच्छे। अगर बहुत से लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपने सोफे पर या फिर आप अपने बेड पर भी बैठ जाइए और अपने आसन को आगे के लिए शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आसन है आज का वो है वशिष्ठ आसन। वशिष्ठ आसन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की बैलेंस को ही बनाना है। और इससे जो फायदे होने वाले हैं, इसमें क्या होगा कि हमारे पैर से लेके, सर से लेके, हाथों से लेके, सभी की सभी मसल स्ट्रेच होंगे और अपने शरीर को स्टेबल करने के लिए हमारे शरीर में जो सेल्स है उसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे वशिष्ठ आसन को। तो सबसे पहले हम लोग अपने पैर को सामने की तरफ फैला लेंगे इस साइड, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसे यहाँ पे रख लेंगे। सब लोग पोजीशन ले लीजिए, इस पोजीशन में आ जाइए, बहुत अच्छे। मैं एक बार आपको चाहिए तो इसे मैं करके दिखा देता हूँ, फिर हम इसे एक बार करेंगे, हाँ एक बार देख लीजिए क्योंकि पोजीशन थोड़ी इसमें जरा इनबैलेंस हो सकता है, बैलेंस करना है हमें, तो एक बार देख लीजिए। तो दोनों पैर को ऐसे रखेंगे और बैलेंस को बनाते हुए अपने जो लेफ्ट हैंड है उसका सपोर्ट लेते हुए अपने आप को इस पोजीशन में लाएंगे, पैर को इसके ऊपर रखेंगे, बैलेंस बनाते हुए आपको ऐसे ऊपर की तरफ आना है। तो बैलेंस बनाइए, अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप उसे इस प्रकार से भी कीजिए, पहला दिन है तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस आसन को, इसका नाम है वशिष्ठ आसन। रेडी स्टार्ट, चलो। तो पोजीशन लेंगे, पोजीशन में ले लीजिए, बहुत अच्छे। अब सांस लेते हुए हाथ उठाइए, सांस बाहर, नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लाइए और स्लोली अपने आप को रिलैक्स कीजिए, बहुत अच्छे। तो इस पोजीशन में बैठिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। इसे हम अभी एक बार और करेंगे जिससे शरीर के अंदर एक कंपन क्रिया होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन ये थोड़ा सा स्पीड में हो रहा होता है,
तो जैसे शरीर वाइब्रेट करेगा हमारे रक्त वाहिनियां अंदर से क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए पोजीशन ले लीजिए। हाँ, अब पोजीशन में आइए। धीरे धीरे शरीर को अब ऊपर उठाइए, बैलेंस बनाते हुए, बैलेंस को बनाते हुए ऊपर उठाइए। बहुत अच्छे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस बाहर, नॉर्मल ब्रीद, 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और फिर से बैलेंस बनाते हुए नीचे। बढ़िया, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हो जाइए। चलिए एक बार और करेंगे इसी आसन को। रेडी है सब लोग? चलिए स्टार्ट करेंगे। बैलेंस बनाते हुए ऊपर उठिए। बैलेंस को बनाते हुए या तो फिर हाथों का सहारा लेके अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। बहुत अच्छा। हाथ यहाँ रख लीजिए। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस को बाहर, नॉर्मल ब्रीद, 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे और धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस बनाइए। चलिए आसन छोड़ देंगे। तो आपने देखा इसमें होता क्या है कि हमारा भाग तो यहाँ का स्ट्रेच होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा स्ट्रेच मतलब तनाव जो आता है वो हमारे यहाँ की मसल्स को आता है। आपने अभी अनुभव किया होगा इस बात को कि इसमें अपोजिट होता है, ठीक है। इसको करने से हमारे बेली फैट जो होते हैं, यहाँ पे जो पूरी फैट जमा होते हैं, इसे निकलने में बहुत ही बड़ी मदद मिलती है। और इन बैलेंसिंग का आसन है जो कॉन्सेंट्रेशन को लूज नहीं होने देता है, और ऐसे आसन करने के बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हम पूरा दिन खुशी खुशी बिताते हैं। तो चलिए अब अदर साइड से इसी आसन को करेंगे हम लोग। सेम अदर साइड। रेडी है सब लोग? तो मैंने बहुत लोगों को बताया, अगर नहीं जम रहा होगा तो आप इस हिसाब से भी कीजिए, इस हिसाब से भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो बैलेंस बनाते हुए अपने दोनों इस हाथों का सपोर्ट ले सकते हो। अब इसमें यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे स्ट्रेच हो गए हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस को बाहर 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और सपोर्ट लेते हुए अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। बहुत अच्छे। रिलैक्स, रिलैक्स। मुझे भी इस आसन को करते समय थोड़ा अलग ही महसूस हो रहा है, क्योंकि इन बैलेंसिंग का आसन है, इसमें ताकत बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती है। आप इसमें जितनी अपनी ताकत को झोंक सकते झोंकिए, क्योंकि आप अगर कोई ऐसे आसन को करते थे जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये जलना मतलब एनर्जी में क्रिएट होने के लिए उसे यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए एक बार और करेंगे सब लोग। रेडी है सब लोग? स्टार्ट करेंगे। चलिए सपोर्ट लीजिए। सपोर्ट लेते हुए अपने को बैलेंस में लाइए। परफेक्ट स्ट्रेच। सांस को लेते हाथ यहाँ, सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस बाहर 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और हाथ नीचे रख के बैलेंस को बनाते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। अब इसमें हमारी जो मसल टोन होती है, हमारे जो मसल्स होती है, हमारे हाथों की मसल्स से लेके पूरे शरीर की जितनी भी मसल्स है हमारी, ये क्या होंगी कि ये पूरे की पूरे स्टिमुलेट होंगे और अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। तो ये आसन को आप करते रहिए, फायदा आपका होगा। एक बार और करेंगे, इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, हड्डियों की ताकत तो ज़बरदस्त बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि हम पूरा
जैसे हम लोग किसी ब्रिज को बनाते हैं तो ब्रिज को बनाने के लिए उसमें स्टील जो यूज होता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा जो जो भी कंस्ट्रक्शन है या भी हमारा ब्रिज है, घर है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना दिन टिकेगा। तो आपको अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना है तो ऐसे आसन को करने हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे फिर से। बैलेंस बनाइए, ऊपर उठिए, बढ़िया बैलेंस, हाथ रख लीजिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस बाहर, 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, बैलेंस बनाते हुए अपने आप को फिर से पोजीशन में आ जाइए। बहुत अच्छे, तो सब लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से किया होगा। अगर किसी को ये आसन करते समय कोई कठिनाई आई होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाथों की पावर को यूज़ करना पड़ता है और आपके कंबर की जो पावर होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप पूरे ब्रिज के इस पोज को बना सकते हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो हमारे हाथों की जो बोन्स है ये बहुत ही मजबूत होंगी अगर आप इस आसन को करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अगर आपको नहीं जमा होगा तो कोई बात नहीं है, आप इस आसन को फिर से रिपीट देख के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा शरीर को शांत और शिथिल करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास, आंखें बंद, 20 से 25 सेकंड का रेस्ट। आंखें खुली ना हो, क्योंकि आंखें बंद होंगी तो शरीर अपने आप को अंदर से रिपेयर करने लगता है, क्योंकि आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि सामने की कोई भी चीज़ अगर आप देखते नहीं हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज नहीं होता है। आँखें बंद, कंटिन्यू, बहुत अच्छे। अब सब लोग अपनी आंखें खोल देंगे तो इसके बाद का जो आसन है वो है मत्स्य आसन। मतलब आज हम लोगों ने जितने भी आसन किए हैं सब हमारे जितने भी हमारे पंछी हैं या फिर जो जलचर प्राणी है उनके ऊपर पूरे आसन को किए हैं, तो आपको समझा होगा कि वो तो कभी बीमार होते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कई क्रियाएं होती हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, यही क्रियाएं वो करते हैं। उनका स्ट्रक्चर के हिसाब से वो अपने आप को, आप देखो तो वो लोग अपने हिसाब से कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई योगा करते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करना है और अपने शरीर को स्वस्थ और मस्त रखना है। तो चलिए हम लेफ्ट साइड में सो जाते हैं। पहले फर्स्ट टर्न टू लेफ्ट साइड, रिलैक्स होंगे, सांसों की क्रिया चालू रहेगी यहाँ पे, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम लोग एकदम फ्लैट सो जाएंगे पीठ की बगल। तो ये भी आसन जो हमारा है मत्स्य आसन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपको लगे तो ही कीजिएगा, अगर नहीं आपको बैलेंस बनाने आएगा तो आप नहीं करें। एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको डिक्टेट या करके दिखा देता हूँ। इससे क्या होता है कि ये सर्वाइकल, बैक पेन, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, रीढ़ की हड्डियों की ताकत तो बढ़ाएगा ही। इसमें हमारे जो चेस्ट रीजन के एयर वेज है वो पूरे ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अपने डायफ्राम तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं करके दिखाता हूँ। दोनों हाथ को ऐसे हम लोग पीछे की तरफ रख देते हैं और एक हम लोग अपनी गर्दन को उठाएंगे और गर्दन को ऐसे रखने के बाद इस पोजीशन में आएंगे और यहाँ पे हमें रुकना है। ये देखिए पूरा ओपन है हमारा, जो यहाँ का रीजन है पूरा का पूरा ओपन है, देख लीजिए। तो ऐसे ओपन करके यहाँ पे हम 10 काउंट की क्रिया करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस आसन की शुरुआत करते हैं।
रेडी है सब लोग? तो चलिए दोनों हाथ को पीछे की तरफ ऐसे रख लेंगे, ठीक है? रेडी है? अब गर्दन को घुमाना है पीछे की तरफ, और ये पोजीशन में यहाँ आने के बाद आप एक पीठ में कर्व निर्माण होगा। यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए अब रिलैक्स हो जाएंगे। परफेक्ट। अगर किसी को ज्यादा तनाव महसूस हो रहा होगा तो आप पैर को ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो, फोल्ड करके भी आप मत्स्यासन को कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसे फिर से करके दिखा देता हूँ, देखिए ये पोजीशन, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर आपको इसी में जम रहा तो ऐसे कीजिए। चलिए स्टार्ट, फिर से गर्दन को पीछे की तरफ घुमा दीजिए, जमीन पे रख दीजिए और सपोर्ट में 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए धीरे धीरे आसन को छोड़ दीजिए, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। अगर हाथ दर्द हो रहे तो हाथों को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, हाथों को थोड़ा ऐसे, हम हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं क्योंकि हाथों पे स्ट्रेस आया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है। हाथ नीचे रख लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। इस आसन को और एक बार हम करने वाले हैं। तो इस आसन के बहुत ज़बरदस्त फायदे, आपने देखा होगा कि गर्दन की जितनी भी रीजन है, गर्दन रीजन मतलब हमारा नेक रीजन, पूरा एकदम अलग ही महसूस हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को जाने वाली जितनी भी हमारी रक्तवाहिनियाँ होती है वो ओपन हो जाती है, और हमारे ब्रेन को जाने वाले जितने भी एंजाइम मतलब जो भी ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये बढ़ जाता है। एयरवेज होने ओपन होने की वजह से हमारे हार्ट और लंग्स की भी ताकत बढ़ती है। चलिए स्टार्ट करेंगे इस आसन को फिर से। रेडी है सब लोग? दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, रेडी। अब धीरे धीरे अपने गर्दन को पीछे की तरफ घुमा के रख दीजिए, बहुत अच्छे। 10 काउंट, सामान्य श्वास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर, हाथ नीचे, पूरे शरीर को, हाथ को, पैर को, पूरा पैर ओपन करेंगे। हाथ के तलवे छत की तरफ नीचे रख दीजिए, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीद, शांत और शिथिल हो जाइए। पूरे शरीर को शांत और शिथिल कीजिए। आपने आज जितने आसन किए हैं इसमें हमारे जो हमारे रक्तवाहिनियाँ है उसके ऊपर थोड़ा सा तनाव आया हुआ होगा, आपको उसे महसूस करते रहना है। वो तनाव थोड़ी देर के लिए होगा। अगर आपको योगा करते समय कभी आपके मसल्स पेन होते हैं तो उसे डरना नहीं है, क्योंकि हमने उस मसल्स को कभी यूज़ नहीं किया है। करके वहाँ थोड़ा सा जब स्ट्रेच करते या तनाव देते हैं तो रक्तवाहिनियाँ जब फैल जाती है तो वहाँ से ब्लड का फ्लो जब बढ़ता है तो थोड़ा सा दर्द होता है, वो दर्द फिर से ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम पूरा शांत और शिथिल हो चुके हैं, फिर से हम लोग लेफ्ट साइड में टर्न कर लेंगे। लेफ्ट साइड में आ जाइए, बहुत अच्छे। अब दोनों हाथों का आधार लेके उठ के हम लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाइए। परफेक्ट। तो आज के जितने भी हमारे आसन थे अब यहीं समाप्त होते हैं। तो अब हम हमारे शरीर को शांत और शिथिल करेंगे, क्योंकि हमने आज थोड़े
डिफिकल्ट आसन किए हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ी शरीर की शांत करने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे बैठ जाएंगे, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग, 5 बार लंबी सांस लेंगे और 5 बार लंबी सांस छोड़ेंगे। ये सभी लोगों को आंखें बंद करके करना है, क्योंकि सभी लोगों की सांसों की क्रिया अलग अलग और टाइमिंग अलग अलग लगता है। तो 5 सांसों की क्रिया कीजिए और फिर मैं आपको आंखें खोलने के लिए बोलूंगा, तब आपको आंखें खोलनी है। करिए स्टार्ट। लंबी सांस लेना है, छाती फुगानी है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए छाती अंदर लेनी है। ये है डीप ब्रीदिंग, कंटिन्यू, और 4 बार करेंगे। ओके, सब लोग अपनी आंखें खोल देंगे। तो आज का जो आसन था ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आसन था, और इसमें क्या होता है, शरीर फिर एक तनाव स्थिति में जाता है। तो उस तनाव को कम करने के लिए कि अरे हमें आसन जमा नहीं, मुझे फिर तो इसे शांत करेंगे, इसीलिए डीप ब्रीदिंग। अब करेंगे चंद्र अनुलोम प्राणायाम। तो चंद्र अनुलोम प्राणायाम करने के लिए क्या करना है, आपको मालूम होगा कि हमारे जो दाई नाक होती है, मीन्स राइट नोज जो होती है, ये सूर्य नाड़ी होती है, और जो हमारी बाई नाक होती है या लेफ्ट नोज होती है, ये चंद्र नाड़ी होती है। तो हम करने वाले हैं चंद्र अनुलोम प्राणायाम या फिर चंद्र नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम। तो सीधा बैठ जाएंगे, एक हाथ अपने घुटनों को ऐसे रख देंगे, दाहिने हाथ से दाहिने अंगूठे मुट्ठी बांध लेंगे, दाहिना अंगूठा बाहर होगा, दाहिने अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक, राइट नोज, राइट थंब से ब्लॉक लिया हुआ सांस आपको धीरे धीरे लेफ्ट से बाहर छोड़ दीजिए। अब लंबी गहरी सांस लीजिए लेफ्ट से, और लेफ्ट से बाहर छोड़िए। पोजीशन यही रहेगी, बाई नाक से लेना है, बाई नाक से कंटिन्यू चालू रखिए। जब तक मैं आपको बोलता नहीं हूं तब तक आपको इस क्रिया को चालू रखना है। सांस को लेते समय आवाज नहीं करनी है और छोड़ते समय आवाज नहीं। डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस लेंगे और फिर धीरे धीरे उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। कंटिन्यू। आप जब सांस अंदर ले रहे हो वह ठंडी है, और जब धीरे धीरे सांस आप बाहर छोड़ते हो गर्म होती है, उसका अनुभव करते रहेंगे। कंटिन्यू। कंटिन्यू चालू रखेंगे इस क्रिया को। आप महसूस करेंगे कि इससे पहले हमने जो पूरे डिफिकल्ट आसन किए, इस डिफिकल्ट आसन करने के बाद हमने डीप ब्रीदिंग की, डीप ब्रीदिंग के बाद चंद्र अनुलोम क्यों या फिर चंद्र नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम जो अभी आप कर रहे हो, इसकी वजह से शरीर में एक नई ऊर्जा निर्माण होती है। आपको लगेगा कि मैंने अभी तो इतना सब कुछ, हमारे शरीर में इतने तनाव आए थे, मसल्स पेन हो रही थी, वो सब गायब हो जाएगा, क्योंकि आप चंद्र अनुलोम प्राणायाम से अपने शरीर में चंद्र नाड़ी हो
और चाहिए अगर एक्टिवेट होते हैं तो हमारे शरीर में अनेक नाश होता है। तो चलिए अब इसी को यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। इंद्र नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम को हमने अभी 3 मिनट तक किया है। अगर आपको इसे और करना होगा, इस सेशन को समाप्त होने के बाद आप इस वीडियोस को फिर देखिए और कर सकते हैं। चलिए सबसे लास्ट में अब हम करने वाले हैं ओमकार। तो ओमकार का मतलब होता है शरीर में वाइब्रेट की क्रिया। ओमकार से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। ओमकार ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शब्द है। तो इसको करने से हमारे शरीर जो है ये ब्रह्मांड है, पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का निर्माण होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को यहाँ पे रख लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा, लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए ओमकार ओ इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जब ओमकार करते हैं तो ओम जब बोलते हैं तो जल्दी से उनका सांस छूट जाता है। तो वो लोग क्या करेंगे कि ओठ बंद करके सिर्फ म का उच्चारण भी करेंगे तो भी चलेगा, या फिर ओ का उच्चारण कम ओम ऐसा। तो 2 बार और करेंगे। चलिए एक लंबी सांस लेंगे ओम, लंबी गहरी सांस ओम। दोनों हाथों का घर्षण, घर्षण से जो ऊर्जा निर्माण होगी, जो गर्माहट निर्माण होगी हमारे हाथ के तलवों में, उसे अपने चेहरे पर घुमाएंगे 3 बार और धीरे धीरे अपने हाथों को अपने सीने से स्पर्श करते हुए, पेट को स्पर्श करते हुए, दोनों हमारे जो थाइज है उसको स्पर्श करते हुए दोनों हाथ को अपने घुटनों पे लाके यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो चलिए आज का जो सेशन था बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों ने भी मज़े करते हुए एंजॉय के साथ किया होगा, तो खुशी खुशी किया हुआ। जो व्यायाम होता है उसके बहुत बेनिफिट होते हैं, क्योंकि आपका शरीर उसे एक्सेप्ट करके उस चीज़ को प्रोवाइड करता है। तो बहुत ही मज़ा आया होगा आज के सेशन में, मैंने भी बहुत एंजॉय किया, शायद आपने भी उसे एंजॉय किया ही होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने आसन को यहीं समाप्त करता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नए आयाम के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, समाज से जुड़े रहिए, समाज से जुड़ने में ताकत होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन ये समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए सभी को मेरा धन्यवाद।